अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 की क्वेश्चंस करेंगे जो कि सप्लीमेंटल वेरिएबल्स के बारे में, जिसके अंदर स्लैक वेरिएबल्स आते हैं, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म, और हमने नेचर बतानी है कंस्ट्रेंट्स की। ग्राफ गिवन होगा, उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगे, उनकी हमने नेचर बतानी है कि वो लेस देन के कंस्ट्रेंट होंगे, ग्रेटर देन के होंगे या इक्वल्स टू के होंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें चाहिए जो सप्लीमेंटल वेरिएबल्स हैं, स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो स्लैक वेरिएबल्स कहाँ डिफाइन होते हैं? जब भी आपके पास लेस देन की इनइक्वालिटी हो कंस्ट्रेंट के अंदर, और उस लेस देन की इनइक्वालिटी को, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखें, अगर आपने इसको इक्वल टू में चेंज करना है, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये स्मॉल है और ये क्या है, लार्ज है। अगर इस स्मॉल के साथ हम कुछ ऐड कर दें, ठीक है, इसको अगर हमें एस एम कह दूं, इसके साथ हम कोई वेरिएबल ऐड कर दें, तो ये लार्ज के इक्वल हो जाएगा। वो जो वेरिएबल हम ऐड करते हैं, इसको हम कहते हैं स्लैक वेरिएबल, क्योंकि एक ही कंस्ट्रेंट है, एक ही इनइक्वालिटी है, तो उसमें जब हम ऐड करेंगे तो हम उसको एस वन कह देते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी भी इनइक्वालिटी है लेस देन की, जब हम उसको इक्वेशन में चेंज करते हैं तो हम अगेन एक्स ऐड करेंगे इसमें भी, तो ये चूंकि सेकंड इनइक्वालिटी है इसलिए हम इसको एस टू कहेंगे। जितनी भी इनइक्वालिटीज होंगी वन बाय वन करके आपने इसको एस वन, एस टू, एस थ्री एंड सो ऑन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब सरप्लस वेरिएबल कहाँ पे आता है? जब आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू की इनइक्वालिटी हो, फॉर इंस्टेंस इस इनइक्वालिटी को देखें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, ग्रेटर है, और राइट हैंड साइड स्मॉलर है। तो अगर ग्रेटर में से हम कुछ माइनस कर दें तो ये दूसरे की इक्वल हो जाएगी, हम इसीलिए ई माइनस कर देते हैं, जिसको हम सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। पहली इक्वेशन इसीलिए ई वन लिख दिया। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों ऐड करते हैं? अगर फॉर इंस्टेंस ये ना होता और आपका x1 भी जीरो है और x2 भी जीरो है, इसको भी जीरो कर दें, इसको भी जीरो कर दें, इवन की वैल्यू क्या आ जाती है, इवन हमारे पास माइनस, इवन इज थ्री, इवन क्या बन जाएगा, माइनस थ्री। इसका मतलब है कि ये जो है वो ग्रेटर देन जीरो नहीं है। और सिंप्लेक्स के लिए, सॉल्यूशन के लिए हमारे पास सारे वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके ऊपर ये माइनस आ जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड कर देते हैं। तो जब भी ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी को आप चेंज करोगे इक्वालिटी में, तब आपने एक सरप्लस माइनस करना है और उसी के अकॉर्डिंग ये आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देना है। इसी तरह अगर आपके पास सिर्फ इक्वालिटी हो कंस्ट्रेंट के अंदर, जिस तरह की ये है, इसको भी हम क्या कर देते हैं, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इसके साथ फिर आप ऐड कर देते हैं, तो मेक इट पॉसिबल फॉर सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। सिंप्लेक्स प्रोसीजर के लिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है। अब नीचे क्वेश्चन में हमें गिवन है कंस्ट्रेंट्स, हमने उनको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले आपने देखना है कि राइट हैंड साइड नेगेटिव नहीं होनी चाहिए किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर, किसी भी कंस्ट्रेंट के अंदर। इसमें देखें राइट हैंड साइड इज माइनस फाइव, तो इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इनइक्वालिटी को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इनइक्वालिटी ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, और ये माइनस बन जाएगा प्लस, और इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। अब हमने इन तीनों इनइक्वालिटी को इक्वेशन बनाना है। एक हमारे पास है ग्रेटर की, तो ग्रेटर में हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, सरप्लस और आर्टिफिशियल ऐड कर देते हैं। इसी तरह ये वाली इनइक्वालिटी ये बन गई हुई है जो कि अगेन ग्रेटर है, एक माइनस करते हैं, ई माइनस करते हैं और ए ऐड करते हैं, सेकेंड इनइक्वालिटी है इसीलिए ए टू, सेकेंड इनइक्वालिटी है इसीलिए ई टू, थर्ड में लेस देन की इनइक्वालिटी है इसलिए हम इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, क्योंकि थर्ड है इसीलिए एस थ्री। अब हमारे पास एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री सारे वेरिएबल्स, ये डिसीजन वेरिएबल्स ऑलरेडी थे, तो हमने इसमें सप्लीमेंटल वेरिएबल ऐड कर दिए, वो हमने सारे यहाँ पे लिख दिए, एंड द आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, रेडी फॉर सिंप्लेक्स।
क्वेश्चन टू में अगेन ये कंस्ट्रेंट्स है, जिसमें ये वाले का राइट साइड क्या है, माइनस है, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो ये हमारे पास है। अब ग्रेटर की इनइक्वालिटी है, इवन माइनस किया, इवन ऐड किया, लेस देन की इनइक्वालिटी है, एस ऐड करेंगे सेकंड है तो एस टू, थर्ड में इक्वल है आर्टिफिशियल ऐड करेंगे ए थ्री, और फोर्थ इवन है ग्रेटर की है, ई माइनस करेंगे और ए ऐड करेंगे क्योंकि फोर्थ है, इसलिए ई फोर और ए फोर आ जाता है। अब एक्स वन और एक्स टू और जो सप्लीमेंटल वेरिएबल है वो सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, हमारे पास क्या आ जाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन थ्री में भी हमारे पास ऑलरेडी इवन है कि नेगेटिव है, हाँ यहाँ पे नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद अ नेगेटिव और माइनस वन, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब वन बाय वन क्योंकि ग्रेटर की इनइक्वालिटी थी तो हमने ये दोनों ऐड कर दिए, क्योंकि इक्वेशन थी, सॉरी ये भी ग्रेटर की इनइक्वालिटी थी सेकंड भी, तब भी आ गया थर्ड, क्योंकि इक्वेशन है इसीलिए सिर्फ आर्टिफिशियल ऐड कर दिया, फोर्थ लेस देन की इनइक्वालिटी है इसीलिए एस ऐड किया फोर्थ है तो एस फोर हो गया, फिफ्थ ग्रेटर की इनइक्वालिटी है और सिक्स अगेन लेस देन की इनइक्वालिटी है तो एस ऐड कर देंगे और एस सिक्स होगा, वो सारे वेरिएबल्स हमने लिख दिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फोर्थ में अगेन गिवन है हमारे पास कोई नेगेटिव नहीं है, हम स्ट्रेट अवे करेंगे, इसमें हम ऐड ग्रेटर है तो माइनस ई वन प्लस ए वन, लेस है एस टू, ग्रेटर है तो माइनस ए थ्री, ग्रेटर है तो माइनस ई फोर प्लस ए फोर, लेस है तो प्लस एस फाइव, लेस है तो एस सिक्स, ग्रेटर है तो ई सेवन प्लस ए सेवन, और यही चीज हमने नीचे यहाँ पे लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन फाइव में कहता है कि आपने एग्जांपल एट जो कि पेज 443 के ऊपर है उसको रीराइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें देखें ग्रेटर की इनइक्वालिटी है तो ये सारा तो एज इट इज आएगा, माइनस ग्रेटर में हम क्या करते हैं ए वन प्लस ए वन इज इक्वल टू 290, ए भी ग्रेटर की इनइक्वालिटी है ए टू प्लस ए टू इज इक्वल टू 200, ए भी ग्रेटर की इनइक्वालिटी है ए थ्री प्लस ए थ्री इज इक्वल टू 10, और ये भी ग्रेटर की इनइक्वालिटी है तो ए फोर प्लस ए फोर इज इक्वल टू 9, ये सारे और इसके बाद ये जितने भी ये वाले वेरिएबल है यहाँ पे लिख के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख देते हैं। सिक्स एग्जांपल 9 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये लेस देन की इनइक्वालिटी है तो बाकी सारा का तो आएगा ही आएगा, हमने सिर्फ इसमें एक एस वन ऐड करके इसको इक्वल टू 900 कर देना है, इसमें एस टू ऐड करके 750 के इक्वल, ये ऑलरेडी इक्वल है तो इसमें हम ए थ्री ऐड कर देंगे, ये भी इक्वल है तो ए फोर, ये भी इक्वल है तो ए फाइव, ये भी इक्वल है ए सिक्स, और ये सारे लिखने के बाद उसमें ये भी सारे लिख लें एस वन एस टू और सबको क्या करना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखना है। सेवन एग्जांपल 10 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, देखिए ये तकरीबन यहाँ तक सारे क्या हैं लेस देन की इनइक्वालिटीज हैं, इसको इक्वल करने में एस वन ऐड करेंगे, इसमें एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स एस सेवन और ये ग्रेटर है
तो माइनस e8 प्लस a8 इज इक्वल टू 200, ये भी ग्रेटर है तो माइनस 9 और 9, और ये सारा लिखने के बाद उसके बाद s1 s2 ये सारा अप टू a9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखते हैं। आठवां भी इक्वल टू है प्लस a1 आएगा, लेस देन है s1, ग्रेटर देन है तो माइनस, सॉरी ये s2, a3 प्लस a3 इक्वल टू 0, इक्वल टू है तो a4, ग्रेटर है तो माइनस e5 प्लस a5, लेस देन है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस s6, यहाँ पे s7, ग्रेटर है तो माइनस 8 प्लस e8, और ये सारा लिखने के बाद इतने भी सप्लीमेंटल है वो सारे लिख के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है। 9 और 10 में नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल गिवन है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स गिवन है, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप लिख देंगे तो टोटल कितने वेरिएबल्स होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिसीजन वेरिएबल लिख रहे कितने, 15। जब लेस देन के कंस्ट्रेंट को आप इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो कितने स्लैक वेरिएबल आते हैं, उतने जितने आपके पास कंस्ट्रेंट होते हैं, तो 20 वेरिएबल स्लैक के आ गए। जब ग्रेटर के इनइक्वालिटी को आप इक्वेशन में चेंज करते हैं तो कितने सरप्लस आप माइनस करते हैं, उतने जितनी इक्वेशन होती हैं, तो 12 है तो 12 ईज आपने माइनस करने हैं, और उसी के साथ हमने 12 आर्टिफिशियल भी ऐड करने होते हैं। और जब इक्वेशन हो तो उतने आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने ऐड कर देने, अब इन सबको आप ऐड कर दें तो टोटल इतने वेरिएबल हैं आपके पास। सेकंड में कहते हैं कि सप्लीमेंटल हर टाइप के कितने, तो स्लैक वेरिएबल्स 20 हैं, सरप्लस 12 हैं और आर्टिफिशियल हमारे पास वो भी 20 है। 9 में अगेन डिसीजन वेरिएबल्स 8, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू के कंस्ट्रेंट, डिसीजन वेरिएबल्स लेस देन स्लैक वेरिएबल 16 आएंगे, सरप्लस 10 आर्टिफिशियल और 3 आर्टिफिशियल, तो टोटल कितने बनते हैं 47। हर टाइप के स्लैक 16 है, सरप्लस 10 और आर्टिफिशियल हमारे पास कितने 13 है। क्वेश्चन नंबर 11 में ग्राफ आपको गिवन है, वहां से हमने टाइप्स बतानी है, नेचर बतानी है कंस्ट्रेंट्स की, और सप्लीमेंटल वेरिएबल्स बताने हैं, बेसिक और नॉन बेसिक बताने हैं, और एंड पॉइंट्स या कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर इनकी वैल्यू क्या है, कितने बेसिक है, कौन कौन से बेसिक है, कौन कौन से नॉन बेसिक है, वो बताने हैं। तो हमें फिजिकल रीजन गिवन है, ये जो शेडेड है, ठीक है, सबसे पहले हमने ये जो 1, 2, 3 कंस्ट्रेंट्स गिवन है इनकी नेचर बतानी है कि लेस देन के हैं या ग्रेटर के हैं। तो जब भी लाइन के बिलो हो, अंडर हो फिजिबल रीजन, तो वो इनइक्वालिटी क्या होती है, वो लेस देन की इनइक्वालिटी होगी। तो पहली इनइक्वालिटी देखें, ये वाली फिजिबल रीजन इसके नीचे है, इसलिए ये इनइक्वालिटी क्या होगी, लेस देन की इनइक्वालिटी 1। 2 को देखें, फिजिबल रीजन 2 के भी नीचे है तो वो भी हमारे पास लेस देन की इनइक्वालिटी होगी। लेकिन थर्ड इनइक्वालिटी देखें, ये वाली लाइन 3 जो है, फिजिबल रीजन उसके ऊपर है, दैट मीन्स के यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी क्या होगी, ग्रेटर देन की होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछते हैं व्हाट आर द सप्लीमेंटल वेरिएबल्स, तब देखिए हमारे पास इनइक्वालिटीज तीनों पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो पहले में हम क्या करेंगे, लेस को जब इक्वल टू कर देते हैं, चेंज करते हैं इक्वालिटी में, तो हम स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं, सेकंड को भी स्लैक वेरिएबल ऐड करके, और इसमें आर्टिफिशियल एक ऐड करेंगे और एक सरप्लस जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल हमारे पास 2 स्लैक वेरिएबल हैं, एक सरप्लस है और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है। यही क्वेश्चन के पार्ट बी में पूछा है उन्होंने। पार्ट सी में वो पूछ रहे हैं कि नॉन बेसिक और नॉन बेसिक। सबसे पहले तो आपके पास वेरिएबल सारे कितने हैं, आपके पास एक डिसीजन वेरिएबल x2 है,
एक हमारे पास डिसीजन वेरिएबल एक्स वन है, तो दो तो ये हो गए, बाकी हमारे पास दो स्लैक हैं, दो सर एक सरप्लस और एक आर्टिफिशियल, तो टोटल हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो गए, सिक्स वेरिएबल्स। कंस्ट्रेंट्स कितनी है, कि हमें गिवन है वन टू एंड थ्री, तो थ्री कंस्ट्रेंट्स हैं। नॉन बेसिक वेरिएबल्स कितने होते हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल में से हम नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट निकाल लेते हैं, तो टोटल वेरिएबल सिक्स माइनस थ्री, हमारे पास थ्री जो है वो नॉन बेसिक है, टोटल सिक्स है, तो उसमें से बेसिक कितने होंगे, ऑब्वियसली थ्री बच जाएंगे। पार्ट डी में वो आपसे पूछ रहे हैं कि बेसिक और नॉन बेसिक आपने बताने हैं इन कॉर्नर पॉइंट्स के लिए, तो ये थोड़ा सा आपने इसको केयरफुली डील करना है, क्योंकि ये बहुत सारे में आपके पास आएंगे जो आपने कैलकुलेट करने होंगे। सबसे पहले अगर हम देखें पॉइंट ए को, पॉइंट ए किस एक्सिस के ऊपर है, ये एक्सिस के ऊपर है तो सबसे आसान हो गया, कौन सा एक्सिस के ऊपर है, एक्स टू के ऊपर है, बेसिक और नॉन बेसिक ये वेरिएबल्स मैंने लिखने हैं ए के लिए। अब नॉन बेसिक वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की वैल्यू जीरो होती है, ए पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स टू के ऊपर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, जीरो, एक्स टू एक्सिस के ऊपर, एक्स वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, एक तो ये हमारे पास नॉन बेसिक हो गया। दूसरा हमारे पास नॉन बेसिक जितने भी आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं एट द एंड उनको जीरो होना चाहिए, आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे पास एक ही है एक्स थ्री, तो वो भी जीरो हो गया, एक हमारे पास नॉन बेसिक एक्स वन आ गया, एक हमारे पास नॉन बेसिक ए थ्री आ गया, जो नेक्स्ट या थर्ड आर्टिफिशियल नॉन बेसिक वेरिएबल है वो कहाँ से आएगा, वो उस इनइक्वालिटी से आएगा जो उस पॉइंट को टच कर रही है, ठीक है। अब इसमें एक इनइक्वालिटी टच करिए वो कौन सी है, थ्री, तो थर्ड इनइक्वालिटी में आपके पास सप्लीमेंटल वेरिएबल्स कितने हैं, ई थ्री और ए थ्री, ए थ्री ऑलरेडी नॉन बेसिक है, तो हम ई थ्री को नॉन बेसिक कह देंगे, ये हमारे सारे तीन नॉन बेसिक आ गए, जो बच गए वो आपने लिख देने एस बेसिक्स, जो कि एक्स टू होगा, एक्स टू है, एस वन है और एस टू, तो ये हमारे पास बेसिक हो गए, ठीक है। पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी के लिए हम क्या करेंगे, वही पॉइंट बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक में अगेन ही एक्स 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 टू एक्सिस के ऊपर है तो एक्स वन क्या होगा, जीरो, हमारे पास एक एक्स वन आ गया जो नॉन बेसिक है। दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल है कोई पूरे सिस्टम में, ए थ्री, एक ये नॉन बेसिक हो गया। इसके बाद आपने देखना कि पॉइंट कौन से लाइंस को टच कर रहा है, या किस पॉइंट किस लाइन से का इंटरसेक्शन है इनइक्वालिटी टू का, इनइक्वालिटी टू में जो सप्लीमेंटल वेरिएबल है वो कौन सा है, एस टू है, तो एस टू ये नॉन बेसिक हो गया, जो बाकी बच गए वो आपके बेसिक हैं, एक्स टू, एस वन और ई थ्री। इसी तरह पॉइंट सी के लिए, अब सी को देखिए वो इंटरसेक्शन है किसका, दो लाइंस का, किसी एक्सिस के ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो बेसिक है उसके अंदर एक्स वन भी आएगा और एक्स टू भी आएगा, वो जीरो नहीं होंगे, ठीक है। अब नॉन बेसिक में एक तो आर्टिफिशियल वेरिएबल हो गया, ठीक है, बाकी नॉन बेसिक में वो आएंगे जो जिसका ये इंटरसेक्शन है ये पॉइंट सी, तो पॉइंट सी किन का इंटरसेक्शन है, एक लाइन वन का, तो इनइक्वालिटी वन वो नॉन बेसिक होगा, और दूसरा लाइन टू का, उसके अंदर सप्लीमेंटल वेरिएबल कौन सा है, एस टू है, तो ये तीन आपके पास नॉन बेसिक हो गए, जो बच गए वो आपके बेसिक हो गए। इसी तरह डी में, डी इज अगेन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस या टू इनइक्वालिटी, एक थर्ड और एक फर्स्ट, तो बेसिक तो छोड़े पहले नॉन बेसिक करते हैं, नॉन बेसिक में एक तो आर्टिफिशियल आएगा जितने भी आर्टिफिशियल होंगे, उसके बाद जो दो लाइंस का इंटरसेक्शन है उसके सप्लीमेंटल, तो एक S1 है क्योंकि पहली लाइन का इंटरसेक्शन है, और दूसरा S3 है, S3 में E3 और A3 आता है, A3 ऑलरेडी यहाँ पे है तो हम E3 लिख देंगे, तो बचे कौन से हैं, X1, X2 और S2, ये हमारे पास बेसिक हो गए। क्वेश्चन 12 में भी वही चीजें हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले
वन जो है वो क्या है, फिजिबल रीजन उसके नीचे है, लेस देन की इनइक्वालिटी, टू में उसके भी नीचे है, बिलो है, तो वो भी लेस देन की इनइक्वालिटी, थर्ड को देखें, थर्ड के लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे भी जब इनइक्वालिटी होगी तो वो क्या होगी, लेस देन की इनइक्वालिटी होगी, और फोर को देखें, फोर हमारे पास ये वाला फोर के ऊपर है तो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी आ जाएगी। इसी तरह फिफ्थ, फिफ्थ हमारे पास उसके राइट पे, तो राइट का मतलब ये होगा कि उसपे भी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी। ठीक है, तो हमारे पास पांच इनइक्वालिटीज, पांच इनइक्वालिटीज हमने पांचों के पांचों डिस्क्राइब कर दिए। अब पार्ट बी में वो कहते हैं कि सिलाय कितने वेरिएबल्स होंगे, जब इसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो हमें एस वन, इसको चेंज करेंगे तो एस टू, इसको चेंज करेंगे तो एस थ्री, इसको चेंज करेंगे तो माइनस ई फोर और प्लस ए फोर, और इसको चेंज करेंगे तो माइनस ई फाइव प्लस ए फाइव। हमारे पास तीन जो है वो स्लैक वेरिएबल्स हैं, दो हमारे पास सरप्लस हैं और दो हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं। अब पार्ट सी में कहते हैं कि बेसिक और नॉन बेसिक। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, एक एक्स वन हो गया, एक एक्स टू हो गया, दो वो हो गए, दो और तीन, दो और तीन सरप्लस हो गए, सॉरी स्लैक वेरिएबल हो गए, दो सरप्लस और दो आर्टिफिशियल, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, सिक्स प्लस टू इज नाइन, टोटल नाइन हो गए। नॉन बेसिक वेरिएबल्स कितने होते हैं, वो हमारे पास है नाइन माइनस जितने भी आपके पास कंस्टेंट हैं, तो फोर हमारे पास नॉन बेसिक हैं, तो बेसिक कितने होंगे, फाइव होंगे। अब हमने फाइंड करने हैं कि पार्ट डी में बी और डी के ऊपर, जो कि ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों के हमने बताना है कि बेसिक कौन से इसके अंदर है और नॉन बेसिक इसके अंदर कौन से है। पॉइंट बी को अगर हम देखें, बी कहाँ पे है, बेसिक और नॉन बेसिक के लिए। सबसे पहले नॉन बेसिक में हमने कहा था कि जितने भी आर्टिफिशियल है वो नॉन बेसिक में आएंगे, तो ए फोर और ए फाइव तो ऑलरेडी उसमें आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जिन पॉइंट्स का इंटरसेक्शन होगा, जिस जिन लाइंस का, उनके सप्लीमेंटल वेरिएबल आएंगे। ठीक है, तो ये किसका है, एक्स फाइव का है, इनइक्वालिटी फाइव का है, तो इसका मतलब है कि ई फाइव भी नॉन बेसिक में आ गया। अब हमें एक और नॉन बेसिक चाहिए, वो कहाँ से आ सकता है, देखिए बी कहाँ किसके ऊपर है, एक्स टू के ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स वन क्या होगा, एक्स टू एक्स के ऊपर एक्स वन क्या होगा, जीरो, तो इसीलिए एक्स वन भी आपका नॉन बेसिक हो गया। अब जो बाकी बच गए वो सारे आपने बेसिक के अंदर लिख देने। ठीक है, इसी तरह बी के बाद डी, डी के लिए बेसिक कौन से होंगे और नॉन बेसिक कौन से होंगे, नॉन बेसिक में अगर ए फोर और ए फाइव तो आएगा ही आएगा। अभी कौन से दो का इंटरसेक्शन है, ये है इनइक्वालिटी टू का जिसके अंदर हमारे पास एस टू है, और इनइक्वालिटी वन का जिसके पास हमारे पास एस वन है, तो हमें चार ही नॉन बेसिक चाहिए, तो चार हमारे पास आ गए। थर्टीन में भी वही चीज करनी है, फिजिबल रीजन ये वाला है हमारे पास, तो देखिए सारे वन भी ग्रेटर है, इनइक्वालिटी वन उसके ऊपर है, टू के भी ऊपर ही है तो ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी, थ्री के भी फिजिबल रीजन ऊपर है, फोर के भी फिजिबल रीजन ऊपर है, तो सब में क्या जाते हैं किया जाएगा। पार्ट बी में कहते हैं कि सप्लीमेंटल वेरिएबल्स कितने हैं, तो इसको जब इक्वेशन में चेंज करेंगे तो माइनस ई वन और ए वन करेंगे, इसमें माइनस ई टू ए टू, ये माइनस ई थ्री ए थ्री, और ये माइनस ई फोर ए फोर। जब इसको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हमारे पास चार जो है वो सरप्लस हैं और चार हमारे पास आर्टिफिशियल हैं। अभी सारे हमारे पास आ गए, तो नंबर ऑफ पार्ट सी में कर देखें, नॉन बेसिक और बेसिक, तो पहले हमारे पास टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, चार और चार आठ, और एक्स वन और एक्स टू टोटल कितने हो गए, दस हो गए। तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स कितने होंगे, टेन माइनस जितने भी आपके पास कंस्टेंट होते हैं, कितने कंस्टेंट है हमारे पास, फोर, तो फोर माइनस करेंगे तो सिक्स, तो सिक्स हमारे पास नॉन बेसिक है, तो बेसिक कितने बन गए, फोर, तो फोर बेसिक है हमारे पास और सिक्स जो है वो नॉन बेसिक है। अब पार्ट डी में वो कह रहे हैं कि ए और सी के लिए, हमारे पास एक सी है और एक ए है, इनके लिए हमने बताना है कि कौन से बेसिक है और कौन से नॉन बेसिक है। तो ए के लिए बेसिक और नॉन बेसिक,
नॉन बेसिक में मैंने कहा था कि सारे भी आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो सारे ही नॉन बेसिक होंगे। नॉन बेसिक कब होंगे? जब आपका फाइनल आंसर हो, आखिरी आंसर, क्योंकि यहाँ पे फिजिबल रीजन है, तो कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब है आपके आखिरी पॉइंट्स, आखिरी आंसर आ गए, तो ये आर्टिफिशियल नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब जीरो होने चाहिए, नॉन बेसिक होने चाहिए, दैट मीन्स जीरो होंगे, इनकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो चार ये हो गए, दो और हमें चाहिए। वो दो कहाँ से आएंगे? पहली बात है कि पॉइंट ए कौन सी लाइन से आ रहा है, लाइन वन से, उसके अंदर हमारे पास ए वन, सॉरी उसके अंदर हमारे पास ई वन जो है वो भी नॉन बेसिक होगा, और ये क्योंकि एक्स टू एक्सिस के ऊपर है तो एक्स वन भी हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा, तो ये भी नॉन बेसिक हो गया। तो बाकी बच गए आपके क्या होंगे? बेसिक होंगे। इसी तरह सी पॉइंट के लिए, सी इंटरसेक्शन है किस चीज का? टू का एंड थ्री का। तो पहले तो नॉन बेसिक के अंदर आपके सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि टू और थ्री का, तो टू और थ्री का इंटरसेक्शन है, तो टू में क्या है? ई टू, और थ्री में क्या है? ई थ्री। तो ये आपके नॉन बेसिक हो गए, जो बाकी सारे बच गए वो आपके बेसिक बन जाएंगे। और फाइनली इसमें आपके पास अगेन वन बेसिक फिजिबल रीजन इज बिलो द लाइन, सो लेस देन, टू इसके राइट पे तो ग्रेटर देन, थ्री के लेफ्ट पे तो लेस देन, फोर के बिलो है तो लेस देन, फाइव के अबव है तो ग्रेटर देन, सिक्स के अगेन अबव है तो ग्रेटर देन। अब ये सारे हमारे पास आ गए। अब इनको हमने पार्ट बी में कहा था कि सप्लीमेंटल है, तो जब इसको इक्वेशन बनाएंगे तो एस वन ऐड करेंगे माइनस ए टू प्लस ए टू, इसी तरह ये एस थ्री, ये एस फोर, ये माइनस फाइव प्लस ए फाइव, और ये बन जाएगा माइनस सिक्स प्लस ए सिक्स। तो हमारे पास कितने एस हैं? एस हमारे पास थ्री है, ई हमारे पास कितने हैं? वन टू थ्री है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी हमारे पास थ्री है, तो टोटल नौ हो गए। और बेसिक जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, हमारे पास टोटल एन प्राइम कितना है? इलेवन है। नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स कितने होंगे? इलेवन माइनस कंस्ट्रेंट्स कितने हैं? सिक्स। हमारे पास फाइव नॉन बेसिक हैं, तो बेसिक कितने होंगे? सिक्स। अब पार्ट डी में आपसे यही पूछ रहे हैं कि सारे पॉइंट्स के लिए, ए से लेकर एफ तक सारे पॉइंट्स के लिए आपने बेसिक और नॉन बेसिक बताने हैं। तो ए से स्टार्ट करते हैं, बेसिक और नॉन बेसिक। नॉन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, नॉन बेसिक में वो सारे आते हैं आर्टिफिशियल, ए टू, ए फाइव, ए सिक्स। कितने नॉन बेसिक्स होने चाहिए? पांच। तीन तो हमारे पास ऑलरेडी आ गए। अब ए जो है वो इंटरसेक्शन है किसका? टू का और सिक्स का। तो टू के अंदर हमारे पास क्या है? ई टू, और सिक्स के अंदर हमारे पास ई सिक्स है। तो बाकी जो बच गया वो आपके बेसिक्स हो जाएंगे। इसी तरह बी के लिए बेसिक्स और नॉन बेसिक्स, नॉन बेसिक्स में ए टू, ए फाइव, ए सिक्स, ये तो आएंगे ही आएंगे। अब इसके बाद बी हो इंटरसेक्शन है किसका? फोर का और टू का। तो टू के अंदर हमारे पास क्या है? ई टू, और फोर के अंदर हमारे पास एस फोर है। तो ये हमारे पास पांच नॉन बेसिक आ गए, जो बच गए वो हमारे पास बेसिक्स है। सी में बेसिक और नॉन बेसिक, नॉन बेसिक में अगेन ए टू, ए फाइव, ए सिक्स तो होंगे ही होंगे। अब सी जो है वो इंटरसेक्शन है किसका? फोर का। तो फोर के अंदर हमारे पास क्या है? एस फोर, और इंटरसेक्शन है किस चीज का? वन का। वन में हमारे पास एस वन है। तो ये नॉन बेसिक हो गए, बाकी क्या जो बच गए वो बेसिक है। डी में वो इंटरसेक्शन है, तो पहले तो नॉन बेसिक के अंदर, नॉन बेसिक में ए टू, ए फाइव और ए सिक्स तो आएगा आएगा, बाकी दो कहाँ से आएंगे? डी इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन वन विच इज एस वन सप्लीमेंटल वेरिएबल, और थ्री, थ्री के अंदर एस थ्री, ये सप्लीमेंटल है। तो बाकी जो बच गए वो आपके क्या है? बेसिक्स है। इसी तरह ई के अंदर बेसिक और नॉन बेसिक में अगेन इसमें ए टू आएगा, ए फाइव और ए सिक्स तो आएंगे ही आएंगे।
ई जो है वो इंटरसेक्शन है किस चीज का, 5 का, तो इसके अंदर ई 5 भी आ जाएगा और 3 का एस 3 भी आ जाएगा। ये नॉन बेसिक है, बाकी जो बच गया वो आपके बेसिक है। एफ के अंदर बेसिक और नॉन बेसिक, नॉन बेसिक में अगेन ए 2, ए 5, ए 6 तो आएंगे, बाकी दो हमें चाहिए। एफ किस चीज का इंटरसेक्शन है, 5 का, तो इसका मतलब है ई 5 भी आ जाएगा और 6 का, तो ई 6 भी आ जाएगा। तो ये आपके पास नॉन बेसिक है, जो बाकी बच गया आपके सारे क्या है, बेसिक।